नमस्कार, मैं हूं उत्कर्ष शर्मा और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। बड़ी अटकलों के बाद अब मध्य प्रदेश में सीएम और डिप्टी सीएम का ऐलान हो चुका है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी ने जो है मध्य प्रदेश में सीएम डॉक्टर मोहन यादव को चुना है। तो वहीं जो है डिप्टी सीएम मलारगढ़ से विधायक जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला को चुना है। तो आपको बता दें, मलारगढ़ में जब डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा को चुनने के बाद जो है मलारगढ़ में खुशी का माहौल है। जो उनके कार्यकर्ता और जो मलारगढ़ क्षेत्र के लोग हैं उनमें एक खुशी का माहौल और उत्साह नज़र आ रहा है। वहीं लोगों ने बधाई का दौर जो है लोगों का शुरू हो गया। किस तरह से लोगों ने बधाई दी आपको सुनाते हैं। बड़े हर्ष का विषय आज हमारे मध्य प्रदेश शासन के वित्त मंत्री पूर्व भाई साहब अदानी भाई साहब जगदीश देवड़ा को डिप्टी सीएम बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है कि विकास की गंगा बहुत बहाएंगे, मतलब मध्य प्रदेश में विकास होगा, चौमुखी विकास हुआ है हमारे मलारगढ़ विधानसभा में। ऐसी कोई भी हर योजना धरातल उतरी और उद्योग के क्षेत्र में भी लाने के विषय भाई साहब के मन में भी था कि मध्य प्रदेश में विकास हो, विकास मतलब वो एमपी वाइज की खबर लगातार चल रही थी कि भाई साहब को डिप्टी सीएम बनाए जाने पर, और हमारे आपका सर्वे भी हो रहा था एमपी वाइज के माध्यम से, तो उसके माध्यम से डिप्टी सीएम फाइनल हुआ है और हमारे कार्यकर्ता महर्ष का विषय है और हमें आतिशबाजी की है। क्या नाम है? राजू जाट, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष। आज केंद्र ने और प्रदेश ने क्षेत्र का मान बढ़ाया है। हमारे यहाँ के विधायक और वरिष्ठ मंत्री जी जगदीश देवड़ा को उप मुख्यमंत्री बना के पूरी विधानसभा और समस्त कार्यकर्ताओं का जो सम्मान बढ़ाया है, उसके लिए मैं केंद्र सरकार का और स्टेट के जो नेतृत्व है उनका सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। वाई साहब एमपी की खबर पे पूर्णतया मोहर लग चुकी है और वाई साहब एमपी ने जो सर्वे किया था उसके आधार पर भाई साहब उप मुख्यमंत्री बने हैं। वाई साहब एमपी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। राजेश पटवा। हमारे पूरे क्षेत्र में बहुत खुशी की लहर है। हमारे मल्हारगढ़ को जो भारतीय जनता पार्टी ने उप मुख्यमंत्री की जो सौगात दी है, इसको लेके पूरे जनता और सब में बहुत हर्षोल्लास है। और जो मेहनत यहाँ कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर पर करी थी, कहीं ना कहीं पार्टी ने उसको महत्व दिया है और उप मुख्यमंत्री माननीय जगदीश देवड़ा को बनाया है। हम पूरे कार्यकर्ता की तरफ से पूरी भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नहीं, भाई साहब एम पी भी कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पे राजनीतिक गलियारों में अपना कुछ एक अलग रखता है और उनकी जो खबर थी वो कहीं ना कहीं सही हुई है। मैं भाई साहब एम पी को भी बधाई दूंगा कि उन्होंने जो सर्वे किया था वो। क्षेत्र में हर्ष की लहर है और इतनी खुशी है हमको पूरे क्षेत्रवासियों को जिनकी कोई कल्पना नहीं है। और विकास जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय वित्त मंत्री जी जगदीश जी देवड़ा ने जो विकास किया था और आज उस पर भारतीय जनता पार्टी ने जो भाई साहब मंत्री जगदीश जी देवड़ा को डिप्टी सीएम का पद दिया है, हम सब पूरे पिपलिया मंडी नगरवासी क्षेत्रवासी भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के सरकार अच्छा काम करे। दिलीप गोयल, सांसद प्रतिनिधि। वाई साहब एमपी मोदी जी के मन में है क्योंकि दो दिन से उन्होंने खबर चली है कि क्षेत्र के विधायक प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश जी देवड़ा उप मुख्यमंत्री बनेंगे, उस पर आज मोहर लगी। वास्तव में वाई साहब एमपी मोदी जी के मन में है, ये खबर है। बहुत फटाके फोड़ के सभी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और ये जश्न जब तक उप मुख्यमंत्री जी पिपलिया नहीं आएंगे तब तक जश्न बनता रहेगा इस पूरी विधानसभा में, इस पूरे जिले में और पूरे संभाग में। हरिंजन मंडल उपाध्यक्ष, पिपलिया मंडी मंडल। आज जो डिप्टी सीएम की घोषणा हुई है उसके लिए केंद्र का और प्रदेश का बहुत बहुत आभार। और आज यहाँ पर नगर में पिपलिया मंडी नगर में भव्य आतिशबाजी के साथ में सबने भाई साहब को शुभकामनाएं दी है। कल वॉइस ऑफ एमपी ने जो प्रमुखता से खबर चली थी डिप्टी सीएम की उस पर पूर्णतः मोहर लगी है और डिप्टी वॉइस ऑफ एमपी का भी बहुत बहुत आभार। वॉइस ऑफ एमपी जिंदाबाद जिंदाबाद। जश्न हमको बहुत ही खुशी की लहर है। हमारे विधानसभा 225 में जगदीश जी देवड़ा की ये ईमानदारी का फल है जो उन्होंने जो विकास किया है और गरीबों के साथ हर के हर एक किसान के साथ और सब काम किया है, उसके लिए बहुत फटाके छोड़े, जश्न मनाया और मनता रहेगा।
जब तक नहीं आएंगे। भारत सिंह सोनकरा, उपाध्यक्ष नगर परिषद पिपलिया मंडी। जैसा कि कल भाई साहब एमपी ने खबर चलाई थी उनके चैनल पे, इसलिए भाई साहब एमपी को भी धन्यवाद है कि जगदीश जी देवड़ा डिप्टी सीएम बनना चाहिए। तो मैंने भी इस प्रकार कल बताया था कि हीरे की कदर जौहरी को करना चाहिए, तो पार्टी ने कदर करी है और जौहरी ने जो कदर हीरे के रूप में हमको दिया, उप मुख्यमंत्री माननीय देवड़ा जी को बहुत बहुत बधाई। और इसी प्रकार क्षेत्र में विकास करते रहेंगे, हम ये आशा रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। मुकेश फड़किया, मंडल मंत्री भारतीय जनता पार्टी। अंकित शर्मा चिंटू, जिला महामंत्री युवा मोर्चा। आज हमारे मलागढ़ विधानसभा के प्रत्याशी श्री जगदीश देवड़ा को भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डिप्टी सीएम बनाया है। और जैसे आपका जो चैनल वॉइस ऑफ एमपी ने कल ही बता दिया था कि कहीं ना कहीं ये मोहर लग सकती है इस चेहरे पर डिप्टी सीएम को लेकर, और जगदीश देवड़ा विकास पुरुष है, इस क्षेत्र में उन्होंने बहुत विकास करा है और उसी को मद्देनजर रखते हुए पार्टी ने उनको डिप्टी सीएम के पद से नवाजा है। हम भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा क्षेत्र से सभी आभार व्यक्त करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक भाई साहब जगदीश देवड़ा को डिप्टी सीएम बनाने पर हार्दिक शुभकामनाएं।